Let's put everything we discussed in the last three videos into practice and start exploring some real data sets with RStudio. So first of all, I have a couple of slides, and then I'll open RStudio and I'll explain how to explore real data set. तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास जो डेटा है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में आता है. पिक्चर्स का डेटा, मूवीज का डेटा, टेक्स्ट डेटा, डेटा की बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं. लेकिन हम जिस फॉर्मेट से ज्यादातर डील करते हैं वो स्प्रेड शीट फॉर्म में होता है, जिसमें आपके पास कुछ वेरिएबल्स जो है वो कंटिन्यूस होते हैं, कुछ जो है नॉमिनल होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं, इंटरवल स्केल पे मेजर होते हैं. तो जिनको हमने पिछली वीडियोस में देखा था, डबल्स, इंटीजर्स, करेक्टर फंक्शंस, तो वो जो एक स्प्रेडशीट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड डेटा फ्रेम. तो डेटा फ्रेम से रिलेटेड हम अपनी इन वीडियोस में बात करेंगे. हम टेक्स्ट डेटा, पिक्चर्स डेटा के बारे में, इमेज प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ी कम बात करेंगे. तो तीन लाइब्रेरीज अगर आपके पास ये रन हो रही होंगी तो इसका मतलब है ये पैकेजेस इंस्टॉल हैं. अगर नहीं है तो वी हैव टू इंस्टॉल दीज पैकेजेस. तो क्या मैकेनिज्म है, तो इसके लिए हमने थोड़ी सी बात पहले की थी. और ये देखिए, एक मैं जो डेटा यहां पे यूज करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो गैप माइंडर है. तो मैं ट्राई करूंगा कि अपनी एज सिंपल एज पॉसिबल जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकूं. कुछ दोस्तों ने कहा है कि जी आप ज्यादा जरा सिंपल वे से इसको बताने की कोशिश करें. तो आप जरा इस को विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा. हंस रोजलिंग, 200 कंट्रीज, 200 ईयर्स, 4 मिनट्स, इट्स अमेजिंग डेटा विजुअलाइजेशन. तो आप इसको जरूर देखिएगा. अब मैं आपको आर जो है वो एनवायरमेंट में ले जाके जो बातें हमने की हैं, हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं. तो आपके पास आर में हमने बात की थी कि ये हमारा कोड एडिटर है. अगर तो यहां पे आप लाइब्रेरी जब टाइप करेंगे DPLYR, जो पैकेज हमने ज्यादातर यूज करना है अपनी डेटा रैंगलिंग में, डेटा क्लीनिंग में, तो आप अगर आप इसको कंट्रोल एंटर करेंगे तो यहां पे मेरे पास कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब ये पैकेज मेरे पास इंस्टॉल्ड है. सिमिलरली आप लाइब्रेरी, एक और लाइब्रेरी हम गैप माइंडर, गैप माइंडर बेसिकली बिल्ट इन पैकेज है. तो अगर ये आपके पास यस हो गया ठीक है, अदरवाइज आपको ये करना होगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और यहां पे आपको लिखना होगा गैप माइंडर. तो आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये थोड़ी देर के लिए इंटरनेट चलना चाहिए तो ये आपके पास हो जाएगा. अगर आप यहां पे हैश का ये लगा दें तो ये आपके पास, इसका मतलब ये कमांड अब रन नहीं होगी. तो लाइब्रेरी मैंने रन की, एक लाइब्रेरी और मुझे यूज करनी है ताकि डेटा को जब मैं टेबल फॉर्म में रीड करूं तो वो बहुत नाइस फॉर्म में यूज हो जाए. अब किसी ने पूछा कि ये गैप माइंडर डेटा है कहां पे, तो अगर ये लाइब्रेरी आपकी रन हो गई, लाइब्रेरी डीप्लायर हो गया, तो ये गैप माइंडर अपने तौर पे एक डेटा है. उसको डेटा को हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो हम देख लेते हैं. तो सबसे पहले आप ये करें कि अपने डेटा को व्यू करना है अलग से एक स्प्रेड शीट में, तो आप इसको व्यू, मैंने कहा था कि हमेशा फंक्शन जो है पेरेंथेसिस में होगा. आप ये गैप माइंडर, जब भी ये गैप माइंडर ये आपके पास हो तो टैब प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा. कंट्रोल एंटर तो ये देखिए एक न्यू विंडो में कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, आप ये न्यू विंडो में ओपन है. तो ये मेरे पास डेटा है. इफ आई टाइप गैप माइंडर हियर, गैप माइंडर, जस्ट गैप माइंडर अगर मैं टाइप कर देता हूं तो ये देखिए, असल में जब मैंने ये लाइब्रेरी डीप्लायर यूज किया ना, तो अब इसने इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल दी वैल्यूज सिर्फ पहली 10 वैल्यूज स्टोर की हैं. और वो ये बता रहा है कि आपके पास 1704 रोज हैं, 6 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6. ये 1952 से ऑनवर्ड डेटा है हमारे पास. और तो अभी हम देख लेते हैं कहां तक का है हर कंट्री के लिए. तो ये आपके पास जो है वो जितने पॉसिबल कंट्रीज का ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, पॉपुलेशन, तो इन पे डेटा है जिनको हम अगली वीडियोस में भी एक्सप्लोर करेंगे. आप
को डेटा का जो है एक और इजी वे है कि डेटा के बारे में आपको जल्दी से सारी डिटेल्स मिल जाएं, और वो है ग्लिम्प्स, GLIMPS, ये फंक्शन है। अगर यहां पे गेट माइंडर में टाइप कर दूं तो लुक हियर, इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1704 ऑब्जर्वेशंस हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, तो वो जो बात मैंने पिछली वीडियो में की थी फैक्टर, तो ये जो है वो जो ये वेरिएबल ये कंट्री नेम्स जो है एज फैक्टर्स हैं, कॉन्टिनेंट नेम्स एज फैक्टर्स हैं, ये आपके पास ईयर्स जो है एज इंटीजर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चूंकि हमने कहा था इंटीजर और फ्रैक्शंस अगर होंगी तो वो डबल्स होंगे, पॉपुलेशन जो है वो इंटीजर्स में है, जीडीपी पर कैपिटा डबल्स, इस तरह से ये आपके पास यूज हो रहा है। अब देखिए इसको आप अगर डेटा का सिर्फ फर्स्ट 6 वैल्यूज देखना चाहते हैं तो आप हेड कर दें, हेड गैप माइंडर, तो ये फर्स्ट 6 वैल्यूज हैं। अगर आप लास्ट 6 वैल्यूज देखना चाहते हैं तो टेल गैप माइंडर, तो ये लास्ट 6 वैल्यूज आ गई जिम्बाब्वे और 2007 तक का डेटा है, तो बेसिकली आपके पास 1952 से 2007 तक का डिफरेंट कंट्रीज का डेटा है विद 5 ईयर इंटरवल। तो आप इस डेटा को हम ब्राउज कैसे करेंगे, कैसे लिस्ट करेंगे, अब ये डेटा आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है, इसको ज्यादा अच्छा आपने जो है वो अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखते हैं केबल, ये लाइब्रेरी निटर से ये फंक्शन जो है वो लिंक्ड है, तो यहां पे आप लिख दें टेल और गैप माइंडर। तो ये डेटा जब आप प्रिंट फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बड़े नाइस वे से रिप्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपको ये देखना है कि ये गैप माइंडर डेटा है क्या, तो प्लीज जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क, हमने कहा था हेल्प लेने के लिए क्या करो, क्वेश्चन मार्क पुट कर दो बिफोर दैट पैकेज। तो यहां पे देखिए इसमें ये जो आपके पास ये वाली विंडो है इसमें चीज ओपन होगी, गैप माइंडर है, तो ये 142 कंट्रीज का डेटा है, 5 लेवल्स हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, और 1952 से 2007 तक का है विद इंक्रीमेंट्स ऑफ 5, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिफाइन किया, ये देखिए मेटा डेटा आ गया, पॉपुलेशन पीओपी मींस पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, तो इसके बाद से और आप अगर इस डेटा को देखना चाहते हैं तो यहां पे देखिए आप क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स गिवन है जिनको हम अगले वाले जो है वो ये देखिए हेड गैप माइंडर आ गया, समरी गैप माइंडर आ गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये सारी वो चीजें हैं जिसको मैं फर्दर एक्सप्लोर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।